बच्चों, आज कृषि में नर्सरी कैसे डाली जाती है उसके बारे में बात होगी। ये नर्सरी चाहे धान की हो, चाहे सब्जी की हो, चाहे फल की हो, सबकी कुछ चीज़ें एक ही तरह की हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। लेकिन जैसे ज़मीन की तैयारी, खेत का चुनाव, ये सब एक ही चीज़ होता है सबके लिए। तो पहले हम नर्सरी डालने के लिए खेत का चुनाव करते हैं, जो इसका मुख्य पार्ट होता है। खेत ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पानी न लगे, सिंचाई के अच्छे साधन हो, जानवरों से रख रखाव की सुविधा हो, ऐसे खेत का चुनाव हम करते हैं। उसके बाद चुने हुए खेत में गोबर की खाद डाल के उसको जुताई करके भुरभुरी बना लेते हैं। भुरभुरी बनाने के बाद तब हम उसकी क्यारी बनाते हैं। क्यारी बनाने के बाद मृदा का उपचार करते हैं। ये उपचार दो तीन प्रकार से होता है। पहला तो हम रसायन से उपचारित मृदा को करें, उसमें फॉर्मलिन है और सौरीकरण है और उसके बाद बर्निंग है। फॉर्मलिन हॉस्पिटल में जो फॉर्मलिन चलता है वहाँ साफ़ सफाई में यूज करते हैं, वही फॉर्मलिन जनरली यूज होता है। उसको खेत में स्प्रे करके उसके बाद हम पानी लगा देते हैं, तो जो फंगस या बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। दूसरा है सौरीकरण। एक काम हम नर्सरी डालने के पहले मई में जब धूप बहुत तेज होती है उस समय खेत की सिंचाई करके उसको प्लास्टिक से एकदम कवर कर देते हैं कि बाहर से हवा अंदर न जाए। वो धूप की गर्मी से इतना उष्मा अवशोषित कर लेता है, उसमें हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है कि हम खरपतवार की एक पतली तह लगा दें और उसको जला दें, जिससे जो है हानिकारक कीड़े मकोड़े ये सब मर जाएं। उसके बाद आती है बात क्यारी बनाना। क्यारी हम चौड़ाई जो है 3 फीट या 1 मीटर लेते हैं। लंबाई 10 मीटर से लेके मैक्सिमम हमारे खेत के ऊपर है, कितना समतल जमीन है उतना लेते हैं, 10 मीटर से एबव। अब नर्सरी दो तरह की बनती हैं हमारे यहाँ। नर्सरी दो तरह की बनती हैं, एक ऊंची नर्सरी, दूसरी नीची नर्सरी। जहाँ पानी कम लगता है या गर्मी में कोई नर्सरी डाल रहे हैं तो उसको नीची नर्सरी डालते हैं, जिससे सिंचाई की नमी अधिक दिन तक रुके। जब जहाँ पानी की मात्रा या बरसात का समय है वहाँ ऊंची नर्सरी डालते हैं, जिससे पानी निकल जाए, पौधे को नुकसान न हो। तो नीची नर्सरी में क्या करते हैं, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर को हम मेड़ बना देते हैं, तो मेड़ से हमारी नर्सरी नीची हो जाती है। और ऊंची नर्सरी में क्या करते हैं, इसी बॉर्डर को हम नाली बना देते हैं। नाली 1 फीट चौड़ी होनी चाहिए। इस नाली की मिट्टी को हम नर्सरी बेड पे डाल देते हैं, तो हमारी बेड ऊंची हो जाती है और नाली नीची हो जाती है। तो ऊंची नीची नर्सरी में ये दो तरीके हैं। उसके बाद आता है नंबर बुआई। बुआई हम दो विधि से करते हैं, एक तो छिटकाव विधि से कर दें और दूसरा होता है लाइन सोइंग। जैसे सब्जी का है उसको लाइन सोइंग दो दो इंच के गैप पे हम अंगुली से या खुरपी से
हल्की सी नाली बना लेते हैं, उसी में बीज को गिराते हैं, फिर ढक देते हैं। वही पेपर है, खुद दो पेपर है। तो अब कुछ बीज बहुत बारीक होते हैं जो हाथ से गिराने में दिक्कत होती है, उसको हम पेपर से इस टाइप का कीप बना लेते हैं, इस टाइप से कीप बना लेते हैं, पेपर से इस टाइप का कीप बना लेते हैं और इसमें बीज को रख लेते हैं और बहुत थोड़ा सा नीचे छेद कर देते हैं और इसी नाली पे धीरे धीरे पेपर हिलाते हैं और बीज गिरता रहता है, एकदम सीध में गिरेगा। और जो ओसी नर्सरी है, कमर्शियल नर्सरी है, वहाँ सीड ड्रिल का प्रयोग होता है, छोटे छोटे सीड ड्रिल होते हैं जिसमें बीज भरा है, वो इसे चलाते रहते हैं, बीज गिरता रहता है, चलाते रहते हैं, बीज गिरता रहता है। अब नर्सरी में खाद कितना दिया जाए, 10 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर की हमारी अगर नर्सरी है, इसमें 225 ग्राम यूरिया, लगभग 400 से 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जिसको SSP बोलते हैं, और लगभग 300 से 400 ग्राम पोटाश, इतनी बड़ी नर्सरी में डालते हैं। अब धान की नर्सरी हम डाल रहे हैं तो पतला धान है, अगर बारीक धान है तो 10 स्क्वायर मीटर में 600 ग्राम, अगर मोटा है, जया है या बोल्ड ग्रेन कोई है तो उसको 800 ग्राम तक डाल देते हैं। इसके बाद नर्सरी की सिंचाई, बुआई हो गई, एक तो स्प्रेड, दूसरा लाइन सोइंग। उसके बाद सिंचाई, नर्सरी में बीज डालने के बाद हल्के फुहारे से मिट्टी को गीला कर देना चाहिए। गीला करने के बाद जो बीज हमारे लाइट सोइंग होते हैं, उजाले में जमते हैं, तो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे डार्क में जमते हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, उनके लिए पानी डालने के बाद हम कवर कर देते हैं खरपतवार से और उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। जब देखते हैं कि हमारा पौधा अंकुरित हो गया है, तुरंत हम कवर मल्चिंग हटा लेते हैं। इसके बाद रोग एवं कीट से रोकथाम, नर्सरी में कुछ कीड़े और सबसे बड़ी बीमारी डंपिंग आप की है, जो फफूंद से लगता है। डंपिंग आपके, डंपिंग आप में क्या होता है, आज हम देखे एक पौधा गिर गया है किसी प्रकार से, लगता है कि कोई कीड़ा काट दिया या कुछ हुआ, शाम को आए देखे 4-6 पौधे गिर गए, फिर कल आए देखे तो एक पैच में पौधे गिर गए, 2-3 दिन अगर गैप कर दिए तो पूरा नर्सरी जो है 80% तक ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हम COC कापर ऑक्सीक्लोराइड का 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, ऐसे लक्षण जिस जैसे पता लगे उसी समय कापर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें, और कोई कीड़ा, कोई पत्ती आपको कटी दिखाई देती है तो उसके लिए 1 ml इंडोसल्फान या क्लोरोपाइरीफास या मोनोकोटोफास कोई भी दवा 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं। और खरपतवार नियंत्रण नर्सरी में ही करने के लिए ही हमारी नर्सरी की चौड़ाई 3 फीट से 1 मीटर तक रखते हैं, जिससे इधर बैठने से हाथ यहाँ तक पहुँच जाए, इधर बैठने से हमारा पूरा नर्सरी कवर हो जाए, तो हाथ से ही खरपतवार को निकाल लेते हैं। अब बात आती है पौधों को उखाड़ना, ये भी एक सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। पौधों को उखाड़ने के लिए खुरपी से ही पौधों को सुबह धूप तेज होने से पहले ही निकाल के छाया में रख लेना चाहिए। अगर पौधे उपचारित करना है तो वही छाया में उपचारित करके शाम को जब धूप कम हो जाए उस समय ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद
अगर सब्जी है या फल का कोई वृक्ष है तो पानी डाल देना चाहिए, और धान है तो उसको पानी में ही रोपाई करते हैं। और धान में ये दो विधि के अलावा एक विधि और आती है जो ट्रांसप्लांटर से हम ट्रांसप्लांटिंग करते धान को, उसके लिए चटाई नुमा नर्सरी डालते हैं प्लास्टिक पे या केले के पत्ते पे, बड़े पत्ते पे धान को फैला देते हैं, उसके बाद पानी छिड़कते रहते हैं, नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। उसको ट्रांसप्लांटर मशीन के ट्रे पे रख के अपना बुआई करते रहते हैं।